वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं एलोवेरा हेयर मास्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक व्यूवर्स रिक्वेस्ट वीडियो है, तो अगर आप ये हेयर मास्क वीकली वंस यूज करेंगे तो आपको 3 से 4 यूज के बाद ही डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। देख सकते हैं हम कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी का हेयर मास्क बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये हेयर मास्क। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लांट का फ्रेश एलोवेरा का एक लीफ ले लिया है, और जब हम एलोवेरा का लीफ तोड़ते हैं प्लांट से तो एक जेल रिलीज होता है, उसे सारा जेल को हमें डिस्कार्ड कर देना है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद में वॉश करके इसे यूज करना है। इसके सारे मैंने कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लिए हैं। अब बीच में से इसे स्लिट करूंगी मैं, ताकि अच्छा सा हम एलोवेरा का पल्प निकाल सकें। देख सकते हैं आप कितना अच्छा पल्प अब हम निकाल सकते हैं। तो मेरे बालों की लेंथ मीडियम है, तो मुझे 5 से 6 मैं मीडियम साइज के एलोवेरा के लीव्स यूज करती हूँ। आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना यूज करना है। अब सारा फ्लैश हम ये ग्राइंडर के जार में मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो सारा ट्रांसपेरेंट कलर का फ्रेश पल्प हमें कलेक्ट करना है, ग्रीन कलर का कलेक्ट नहीं करना है। लीफ जरा सा भी इसमें नहीं आना चाहिए। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स ऐड कर दिए हैं। फ्लैक्स सीड का अलग से मैंने वीडियो शेयर किया है, ये हेयर के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप वो एक बार मेरे चैनल पे वो वीडियो एक बार चेक कर लें। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर लिया, ये ऑर्गेनिक हनी है, कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक हनी यूज कर सकें। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यूज किया है। अगर आपके पास में ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो हनी और ऑलिव ऑयल हमारे बालों को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे। मैंने इसमें 5 से 6 फ्रेश मिंट लीफ ऐड कर दिए, यानी पुदीने के पत्ते। ये मेरे प्लांट के पुदीने के पत्ते हैं। इससे एक तो मास्क में, हेयर मास्क में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, और इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब हम इसमें दूध ऐड कर दिया मैंने, 2 टेबल स्पून दूध, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं आप, अच्छा सा हेयर मास्क अब रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने बालों पर, साफ धुले हुए बालों पर लगाना चाहिए, नहीं तो डस्ट इस पर लग जाएगी। बालों को अच्छे से कोम करेंगे और स्कैल्प के साथ में हम हेयर पर भी ये लगा देंगे, और 20 से 30 मिनट, यानी कि 20 से 30 मिनट्स तक हमें इसे रखना है। पूरा नहीं सुखाना है, वरना ये बालों में सूख जाएगा तो अटक जाएगा और बाल टूटेंगे। तो इसके 30 मिनट्स के बाद में हम इसको माइल्ड शैम्पू से धो देंगे, या फिर आप एक दिन सादे पानी से धो दें और दूसरे दिन शैम्पू करें तो और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आपको मेरी ये हेयर मास्क की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कि मैंने बताया, इस मास्क को आप हफ्ते में कम